हेलो दोस्तों, केएलडी क्लासेस में आप सभी का स्वागत। आज हम बात करेंगे भारतीय गोदामों में कितना अनाज है। जो कोरोना वायरस का फियर है, जब से भारतीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि 21 दिन का लॉकआउट किया जा रहा है, ये कह सकते हैं ऐसा किया जा रहा है, ऐसे कदम उठाए जा रहे हैं, उसके बाद से जो मार्केट में भीड़ लगी है वह देखने के लायक थी। ऐसा सिर्फ भारत में नहीं हो रहा, इसके साथ साथ अमेरिका से भी कुछ ऐसे इन्फॉर्मेशन आ रही है कि वहाँ के भी राष्ट्रपति को, डोनाल्ड ट्रंप को भी इस तरह से सामने आना पड़ा, कहना पड़ा कि आप लोग जमाखोरी मत करिए। मार्केट में या जो गोदाम होते हैं, सरकारी गवर्नमेंट जो गोदाम होते हैं, वो सभी अनाजों से भरे हुए हैं, इसलिए आप लोग परेशान ना होइए। यहाँ तक कि यूपी के जो गवर्नमेंट है या गवर्नमेंट सरकार है, स्टेट गवर्नमेंट ने भी कहा कि अगर समस्याएं होंगी अनाज का या जो सब्जी कुछ भी होगा, वो आपको घर घर पहुँचा दिया जाएगा। 10,000 गाड़ियां को बुकिंग करा लिया गया है, इसके माध्यम से आपको कोई समस्या नहीं होगी। लेकिन आप जो जमाखोरी कर रहे हैं वो मत करिए। कोरोना वायरस के खौफनाक प्रसार को रोकने के लिए यूरोपीय संघ द्वारा अपनी बॉर्डर को सील कर दिए जाने के बाद इटली से भारत लौटने वाले एक युवा छात्र ने अपना अनुभव बताते हुए कहा कि इस महामारी से सर्वाधिक विध्वंस उस देश में रोटी के एक टुकड़े तक के लिए संघर्ष बहुत ही भीषण हो चुका है। इटली देश में आप देख सकते हैं कि सबसे अधिक अगर दुनिया में प्रभावित हुआ है कोरोना वायरस से, तो सबसे अधिक आपका इटली हुआ है। इसी तरह से एक और मामला सामने आया है कि भारत में करीब 2 माह तक छुट्टियां बिताने के बाद एक युगल प्रेमी जब वापस अमेरिका में जाते हैं, तो उन्होंने पाया कि गेहूं के आटे का जो बैग, वो पहले या इस तरह कह सकते हैं कि कोरोना वायरस आने से पहले वो जो $10 में एक बैग खरीदते थे आटा का, वह आज उन्हें 90 से 100 डॉलर का एक बैग जो थैला होता है वो उनको मिलता है। अमेरिका में कोरोना वायरस के आतंक से भयभीत लोगों को खाद्य पदार्थ, टॉयलेट पेपर और दूसरे सामान की भारी खरीदारी करते देख राष्ट्रपति ट्रंप को अपने नागरिकों से कहना पड़ा कि देश में खाने पीने की जो चीज़ें हैं उसकी कोई भी कमी नहीं है, सरकार आपके घर घर तक पहुंचाएगी। लेकिन आप लोग ऐसा जो होता ना कि खरीदारी कर रहे हैं अधिक से मात्रा में, एक एक महीने दो दो महीने का जो स्टॉक आप रखने की कोशिश कर रहे हैं, वह पूरी तरह से गलत है और वे घबराकर खरीदारी ना करें। इसी तरह भारत में भी जब भारतीय प्रधानमंत्री ने 24 मार्च को रात के 8:27 में जैसे ही कहा कि भाइयों एवं बहनों, तभी लोगों का जो बड़ा वाला जो झोला होता है, घर का सबसे बड़ा जो झोला होता है, वह उनके हाथ में आ गया कि कुछ बड़ा होने वाला है। मोदी जी दोबारा जब 8 बजे ये आते हैं तो कुछ ना कुछ ऐसा धमाका करने की कोशिश करते हैं, इसलिए सभी ने सबसे पहले टीवी वाला जो स्क्रीन होता है उस पर निगाह डाली। और जब मोदी जी ने 21 दिन के लॉकडाउन की बात की, 2 से 3 बार वह बात दोहराई, तब सबको लग गया और सब सबसे पहले कहाँ पे भागे, किराना की दुकान पे भागे, दवा की दुकान पे, सब्जी की दुकान और जो ये दूध की दुकान होती, सभी तरह से जाके वहाँ पर उन्होंने अपने जो घर को जो सामान होता है 21 दिन का, 10 दिन का, जो भी जिसके पास उस समय बजट था, उन्होंने सामान लेने की कोशिश की। इस प्रकार पूरा भाषण भी मोदी जी का नहीं सुना कि मोदी जी ये भी कहने वाले हैं आगे कि आप लोग के लिए जो जरूरी सामान है, जैसे खाने पीने की सामान है, दवा जो भी जरूरी है, वह आपके लिए छूट रहेगी, वो खुला रहेगा। लेकिन होता है ना कि हम होड़ में, यार वो बगल वाला खरीद रहा तो हम भी खरीदेंगे, वो 1 हफ्ते का भर रहा हम 10 दिन का भरेंगे। ये सबसे बड़ी जो होती है कि देखी देखा वाली समस्या, ये सिर्फ भारत में नहीं आया, ऐसी हर देशों में समस्याएं रही, हर देशों में ऐसी समस्याएं झेलनी पड़ रही है, सरकार को भी झेलनी पड़ रही है और उसके साथ साथ जो दुकानदार हैं और जो गरीब जनता है, सभी के लिए ये एक तरह से बढ़ावा मिल रहा है। जो रेट है वो मनमाने तरह से जो दुकानदार वसूल रहे हैं, पर हम मानो जो ठहरे अपने बारे में कुछ ज़्यादा ही सोचते हैं, जबकि बार बार मोदी जी ने एक ही बात दोहराई कि अनाज या और अन्य जरूरत की जो सामानें हैं वो देश में कोई भी कमी नहीं है। अब यहाँ पर यह भी सवाल बनता है कि आखिर में देश में कमी नहीं है तो कितना है? अगर हम परेशान ना हो, आज हम 1 हफ्ते 10 दिन का सामान ना रखें अपने घर में, तो हमें क्या पता चलेगा कि कितना सामान मार्केट में है? हो सकता है अचानक बहुत अधिक हाई रेट हो जाए तो हम कहाँ से खरीदेंगे? तो यहाँ पर यह भी सवाल बनता है। तो इन सवालों के जवाब ये है कि सरकार के साथ साथ जो विशेषज्ञ हैं, जो खाद्य विभाग से जुड़े हैं, उन्होंने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर भी खाद्य पदार्थों की कोई भी कमी नहीं है। अभी जो मार्केट में चल रहा वो तो है ही, उसके अलावा जो बफर स्टॉक होता है, जो इमरजेंसी के लिए रखा जाता है, वह अभी भी पूरी तरह से भरा हुआ है। लेकिन संकट के समय घबराकर खाने पीने की वस्तुओं की अधिक से अधिक खरीदारी करना ये असामान्य तरीका नहीं है। जहाँ तक गेहूँ, चावल, चीनी और दाल की बात है तो देश में इसका पर्याप्त भंडारण है। सरकार ने बताया कि चावल और गेहूं तो गोदामों में ठसा ठस भरे हुए और वे इमरजेंसी जो बफर स्टॉक होता है उससे कई गुना अधिक रखा गया।
भारत देश में चावल और गेहूं के प्रति वर्ष जरूरत जो होता है, प्रति वर्ष आपका अगर देखा जाए पूरे भारत में 215 लाख टन खपत होता एक साल में, जबकि इस वर्ष की शुरुआत में ही भारतीय खाद्य निगम के गोदामों में 570 लाख टन चावल और गेहूं का ये भंडारण अभी भी इसी तरह से सुरक्षित रखा गया है। अर्थात लगभग हमारे पास 2.5 से 3 गुना अधिक चावल और गेहूं के जो अनाज है वो अभी भी हमारे पास सुरक्षित है। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर आज से अगर हम 2 साल अगर हम खेती ना करें, अगर खेती का अन्न हमारे जो गोदाम है उसमें ना आए, तब भी हमारे लिए कोई भी समस्याएं नहीं आएंगी। ये हम सभी को समझना होगा। राहत की बात यह भी है कि अप्रैल के पहले सप्ताह में ही कई राज्यों से नई गेहूं की फसल मार्केट में आ जाएंगी, जैसे हरियाणा है, पंजाब है, आपका उत्तर प्रदेश ही ले सकते हैं कि यहाँ पे अप्रैल के पहले ही सप्ताह में मार्केट में जो गेहूं के फसल के वो आ जाएंगे। इसलिए अनाज को लेकर हम सभी आप सभी को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन ये सिर्फ कहने की बात है, लोगों के अंदर कभी विश्वास नहीं होगा। जिस तरह से मोदी जी ने 3 से 4 बार यही कहा कि अनाज और जो आवश्यक चीज़ें हैं उसको मार्केट में सरकार के पास और जो दुकान होते हैं उसमें कोई भी कमी नहीं है, आपके घर घर तक पहुँचाया जाएगा, लेकिन फिर भी वही लोग जो जानने वाले थे, जो समझने वाले थे, वो सबसे पहले इन लाइनों में इन दुकानों के सामने जाकर भीड़ लगाए थे। इसके अतिरिक्त देश भर में चीनी के 30 लाख टन का स्टॉक अभी भी गोदामों में सुरक्षित रखा गया है, जो मार्केट में अभी तक आया ही नहीं, और सरकार इस 30 लाख टन से बढ़ाकर 40 लाख टन करने की योजना इस वित्तीय वर्ष में करने का प्लान किया है, ये जो चीनी है आपका। और मिली जानकारी के अनुसार भारतीय खाद्य और उपभोक्ता मामले का मंत्रालय दिसंबर 2019 से इस गोदामों से सिर्फ अभी तक 8.5 लाख टन चीनी ही बाहर गोदामों से बाहर मार्केट में निकाल पाए, और शेष मात्रा अभी भी पूरी तरह से जो चीनी है वह गोदामों में, सरकारी गोदामों में सुरक्षित है। सरकार ने इसी तरह के अन्य आवश्यक पदार्थ जैसे दाल है और जो भी समस्याएं हैं जैसे नमक उमक, सो भी जो भी उन्होंने लिस्ट बताया था कि इतने सामान अभी भी गोदामों में है। जब लोगों की आवाजाही रोकने के लिए देश के बॉर्डर को बंद की गई, जिसका असर राष्ट्रीय स्तर के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी देखा जा रहा है, तब भारत देश में खाद्य भंडारण की प्रचुरता बहुत ही राहत की बात है कि हमें दूसरे देशों पर निर्भर नहीं होना है कि चलो भैया हमें अमेरिका से मंगाना है, चीन से मंगाना है, किसी और देश से। हमारे पास खुद इतना अधिक यहाँ पे अनाज होता है, चाहे वो गेहूँ, चावल, धान, कुछ भी आप जो भी आपके मन में आता है जो बहुत ही आवश्यक होता है, वह वैसे ही हमारे यहाँ ऐसे ऐसे राज्य जहाँ पे सिर्फ वही फसल ही उगाया जाता है, कई ऐसे राज्य हैं जहाँ पे दो दो फसल, तीन तीन फसल एक ही चीज़ का होता है, तो ऐसे में हमें घबराने की जरूरत नहीं है। इस संकट ने मुझे 2007 के वैश्विक खाद्य संकट की याद दिला दी, जब दुनिया भर में खाने पीने की चीज़ों के दाम बढ़ गए थे और मिस्र समेत 37 देशों में भोजन को लेकर दंगे हुए थे, लेकिन फिर भी उस समय 2007 में भारत में कोई भी भोजन के लिए, इस तरह अनाज और गेहूं चावल के लिए कोई भी दंगा फसाद, कुछ भी रेट तक नहीं बढ़े थे। उस समय जब लोग भूखे थे तब खाद्य पदार्थों की दुनिया में सबसे बड़ा, जो दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट है शिकागो मर्केंटाइल एक्सचेंज में, कीमत जो थे वो आसमान छू रहे थे और फूड कंपनियां के बहुत लाभ कमाया था। 2007 के इस संकट में भारतीय के ऊपर, जो भारतीय खाद्य संस्थान है या जो भारतीय लोग हैं, किसान हैं, उनके ऊपर इसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा था। इसका सबसे बड़ा कारण ये था कि देश में स्वदेशी खाद्य भंडारण की प्रचुर मात्रा उपलब्ध थी। इसके अलावा भारत ने अपने कृषि उत्पादकों को अंतर्राष्ट्रीय वायदा बाजार से नहीं जोड़ा था, इसलिए 2007 में जो संकट आई थी पूरे देश में वह इसके ऊपर, भारत के ऊपर कोई भी प्रभाव इसका नहीं देखा गया। इस समय हम भारतीयों को पहले से कुछ अधिक सोचना होगा कि कोरोना वायरस की मार ऐसे समय पर आई है जब अगले एक सप्ताह में नई फसल आ जाएगी मार्केट में, और पिछले कुछ वर्षों से कई अर्थशास्त्री और नीति निर्माता अनाज की खरीदारी जो प्रणाली है उसको बदलने के लिए हमेशा सरकार पर दबाव बना रहे हैं, जिससे वो खाद्य भंडारण की पर्याप्तता बनाए रखने का मुख्य कारण है, और जिससे कि लोगों तक पर्याप्त खाद्यान्न की पहुंच सुनिश्चित हो सकेगी और सरकार भी धीरे धीरे खुले बाजार से गेहूं और चावल की जो खरीद प्रक्रिया है उसको समाप्त करने की कोशिश कर रही है, और आगे आने वाले 1 से 2 साल में ही जो सरकार है वो सीधे किसानों के हाथों से, किसान के जो खेत होता है उसके माध्यम से वहीं से ही वह फसल को उठा लेगी, उसको किसी भी के ऊपर डिपेंड नहीं होना होगा, जिससे ये फायदा किसको होगा, किसानों को होगा और सरकारों को होगा, और सरकार दूसरे लोगों को बेचेगी, चाहे वो शहर में बेचे या गाँव के लोग भाई जिनके पास खेती नहीं होता है या वो फसल वो नहीं उगाते हैं। इसको लेकर कई राज्यों को केंद्र सरकार ने पत्र भी लिख चुका है कि ये जो ऐसी समस्या आ रही है खाद्यान्न को लेकर के, जो मार्केट में इस तरह से बेचा जा रहा, दलाली हो रहा, उसको रोकने के लिए केंद्र सरकार ने सबसे पहले पंजाब को पत्र लिखा है, उसके साथ साथ अन्य राज्यों को लिखने की बात आ रही है। लेकिन यहाँ पर एक सवाल ये भी बनता है, ये मेरी ओर से ही क्वेश्चन समझ सकते हैं कि अगर भारत में इतना अधिक खाद्यान्न है, इतना अधिक मार्केट में है, जैसे हमने बताया कि एक साल में भारत में
सिर्फ 215 लाख टन का ही गेहूं और चावल का खपत होता है और मार्केट में 570 लाख टन है। तो ऐसे में आपको ये भी एक सवाल बनता है कि इतनी अधिक मात्रा में अनाज भंडारण होने के बाद भी प्रति वर्ष की मैं बात कर रहा हूँ 8,80,000 बच्चों की मौत क्यों कुपोषण के कारण से हो जाती है। सबके मन में भाई सवाल आएगा, जब इतने अधिक मात्रा में हमारे पास खाद्यान्न, हमें दूसरे देशों के ऊपर निर्भर नहीं होना होगा। दुनिया के सभी देशों की तुलना में सबसे अधिक बाल मृत्यु दर भारत में है और यह संख्या लगातार बढ़ रही है। पिछले 10 सालों के अगर आप आंकड़ों का अध्ययन करें, इन सभी आंकड़ों से एक बात तो साफ हो जाती है कि समस्या खाद्य पदार्थों के भंडारण को लेकर नहीं है बल्कि इसके गलत वितरण पर सवाल उठता है। हर साल न्यूज़पेपर में आता है कि हजारों टन अनाज बाहर रखने के कारण से खराब हो जाता है, उसको सही से होता नहीं कि रखा नहीं जाता है, या रखा गया तो उसको देखभाल नहीं किया गया, चाहे चूहा या कुछ भी जानवर वहाँ पे खराब कर देते। ग्लोबल हंगर इंडेक्स, मैं आपको यहाँ पे वो हंगर इंडेक्स दिखाना चाहता हूँ जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। इस रिपोर्ट के माध्यम से आपको एकदम क्लियर होगा कि क्या कहा गया। देखिए यहाँ पे लिखा गया, क्योंकि पूरा एक बार में नहीं आएगा। ग्लोबल हंगर इंडेक्स के 117 देशों की सूची में भारत का स्थान 102वां। ये 2019 की बात किया जा रहा है। आप यहाँ पे नज़र डालेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। ये देखिए, ये वाला है इंडिया का 102वां है, पाकिस्तान का 94 है, बांग्लादेश 88, ये सब अपना अपना देश का आप देख सकते हैं। ऐसे में भारत के नीति निर्माताओं और जनता को याद ही रखना होगा कि जो एक बार एम एस स्वामीनाथन ने कही थी कि भविष्य उन देशों का है जिनके पास बंदूक नहीं बल्कि अनाज। मैं उसी बात को एक बार और दोहराऊंगा जिससे आपको स्पष्ट होगा कि भविष्य उन देशों का है जिनके पास बंदूक नहीं बल्कि अनाज है। इसीलिए आपको आभास हो रहा होगा कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, यहाँ पे सबसे अधिक कृषि को बढ़ावा दिया जा रहा है। तो ये थी हमारी आज की सबसे इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन कि जो लोग परेशान है कि कोरोना वायरस के कारण से सरकार ने 21 दिन का लॉकडाउन कर दिया है, हम क्या खाएंगे कैसे रहेंगे, उनके लिए कोई भी घबराने या चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है कि भारत में खाद्य पदार्थ जो अनाज है उसकी कमी है, दूसरे देशों से मंगाएंगे तो बहुत महंगा हो जाए, ऐसी कोई भी चिंता की ज़रूरत नहीं है। इसी प्रकार से बने रहें और अगर आपके मन में कोई भी ऐसा डाउटफुल क्वेश्चन चल रहा है तो आप पूछ सकते हैं और आप ज़रूर बताइएगा कि इसके बाद आपके मन में कौन सा ऐसा नेक्स्ट टॉपिक है जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इस देश के लिए, इस दुनिया के लिए, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, उस पर मैं जरूर वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। इसी प्रकार से बने रहने के लिए आप सभी दोस्तों का KLD क्लासेस की ओर से धन्यवाद।